जी आपके बेटे होशियार चंद जी अभी तक नहीं आए। आ गया। नमस्ते। नमस्ते। मेरा ही नाम चौधरी होशियार चंद शिकारपुरी बारूद वाला है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या तलते हो? आपको मुझसे मिलकर खुशी हो सकती है, मगर मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या है? क्या करता है तू? बेचारे मेहमान है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो करने दो ना, मैंने थोड़ी बुलाया था उनको। कोई भी आता घर में बिठा लेती उनको। क्या है भाई, कोई चंदा लेने आप लोग? अरे नहीं साहब, हम लोग क्या चंदा मांगने वाले लगते हैं। पहले ठीक से परिचय तो हो जाने दो। मेरा नाम शादीराम घरजोड़े है, मैं शादी के रिश्ते जोड़ता हूँ। मतलब शादियों के दलाल हैं आप? कैसे आना हुआ? पता चला आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है, इसलिए लड़के को साथ लेकर आया हूँ। ये लड़के के पिता श्याम सुंदर जी हैं, और ये लड़का गुड्डू, और ये उनकी माता जी हैं। तो लड़की को बुलाओ, लड़का लड़की को देखेगा, अगर दोनों एक दूसरे को पसंद आए तो बाकी बातों की चर्चा हम आराम से कर सकते हैं। मालती, मालती! जब तक मेरे गले से हुक्म की आवाज बाहर नहीं आएगी, तब तक तेरे गले से कोई आवाज नहीं निकलेगी। मैं पहले इनको टटोल लूं, अपनी दिमाग की कसौटी पर इनकी हैसियत को घस लूं। जब इनकी हैसियत मुझे भा जाएगी, तब मेरी बेटी इनके सामने आएगी। समझा बहरे? जी जी जी। आप अपने शहर से लेकर यहां तक किस चीज में सफर करके आए हैं? बस में। आ? क्या, बस में? बस में? यानी एक बड़े घराने की बेटी को अपनी बहू बनाने के सपने लेकर आए तो बस में? अरे मेरे दरवाजे पे भिखारी भीख मांगने आता तो गाड़ी में बैठ के आता है, और ये लोगों के पास कार गाड़ी तक नहीं है। ये इतनी छोटी औकात के लोग हैं लोग। देखिए साहब, मैं आपको कैसी बातें कर रहा है? चुप कर बुढ़िया, मेरा सर फिरा हुआ है। और तुम मिस्टर दलाल, मैं तुमको बताऊं मुझे किस किस्म का दामा चाहिए जो दौलत में, जायदाद में, हैसियत में मुझसे 40 गुना कम से कम बड़ा हो। उसके गांव में इतने लोग नहीं हो जितने उसके घर में नौकर हो। वो तरकारी भी खरीदने जाए तो गाड़ी में जाए, ऐसा बस में लटक के नहीं आए। और दोबारा ऐसे बेशरम लोग लेकर आना नहीं जो 50 गालियां सुनने के बाद यही चिपक के बैठे रहते हैं। क्यों पंडित, तू कौन से जन्म का बदला लेने के लिए हमें यहाँ लाया था, जो इतनी बेइज्जती कर रहे हैं ये हमारी? चलो। हाँ तो जाओ। दादा, बेटियों के बाप होकर लोगों से ऐसा बर्ताव कर रहे हो तुम? बेटियां घर में बैठी रह जाएगी तो क्या बेकारियों को उठाकर दे दूं? जा अपनी जगह बैठो। बेटियां घर में बैठी, और तुम क्या आ रहे हो लीडर के चमचे की तरह गर्दन लटका के बैठे? चलो डोबा निकलो। चलो। जा रहा हूँ, लेकिन आऊंगा जरूर। अभी आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मिलने तो जरूर आऊंगा। काहे के लिए? जब तक मिलूंगा नहीं, चैन नहीं आएगा। तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मिलने जरूर आऊंगा।